दोस्तों साल 1980 में नोबेल प्राइज विनिंग फिजिक्स लुइस बाल्टर अल्वारेज और उनके जियोलॉजिस्ट बेटे बाल्टर ने एक थ्योरी पब्लिश किया कि इरिडियम युक्त मिट्टी की एक हिस्टोरिक लेयर एक बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी से कोलाइड के कारण हुई थी। दोस्तों इमीडिएट आसपास के एरिया में तत्कालिक तबाही और एक एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के वाइड स्प्रेड सेकेंडरी इफेक्ट को माना जाता है कि डायनासोर अचानक से क्यों मर गए। दोस्तों लुइस बाल्टर अल्वारेज और उनके बेटे बाल्टर ने थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारे प्लेनेट से टकराया था और सभी गैर पक्षी डायनासोर और कई अन्य जानवर मारे गए थे। दोस्तों एस्टेरॉयड बड़े चट्टानी पिंड है जो सूरज की परिक्रमा करते हैं। इनका डायमीटर कुछ से लेकर सैकड़ों मीटर तक होता है। एस्टेरॉयड का कोई भी टुकड़ा जो अर्थ पर उतरने से बच जाता है उसे मेटेराइट के रूप में जानते हैं। दोस्तों पॉल कहते हैं एस्टेरॉयड इफेक्ट रियली में गुड एविडेंस द्वारा सपोर्टेड है क्योंकि हमने क्रेटर की पहचान की है। दोस्तों यह काफी हद तक मैक्सिको के तट से दूर समुद्र तल पर दफन है। दोस्तों यह ठीक वैसे ही एज है जब गैर पक्षी डायनासोर विलुप्त हो गए थे जिसे दुनिया भर के रॉक रिकॉर्ड में ट्रैक किया जा सकता है। दोस्तों इम्पैक्ट स्थल जिसे चुक्सुलव क्रेटर के रूप में जानते हैं वह साइट मैक्सिको में यूकाटन पेनिनसुला में सेंटर है। दोस्तों माना जाता है कि एस्टेरॉयड 10 से 15 किलोमीटर के बीच चौड़ा था लेकिन इसके टकराने के वेलोसिटी के कारण 150 किलोमीटर डायमीटर का एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। दोस्तों यह इस प्लेनेट पर दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों डायनासोर किलिंग क्रैश ने ह्यूज अमाउंट में मलबे को हवा में फेंक दिया और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट में बड़े पैमाने पर ज्वार की लहरों को धोया। इतिहास में उस पॉइंट से सब्सटेंशियल आग लगने का प्रमाण भी है। दोस्तों लंबे समय तक यह माना जाता था कि डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे लेकिन पॉल बताते हैं कि दुनिया भर में मिट्टी की उन लेयर्स की डेटिंग बहुत सटीक है। यह अनुमान है कि यह कुछ हजार वर्षों के भीतर है। डायनासोर सहित अर्थ के लगभग 75% जानवर अचानक एक ही समय में मर गए तो सेंट्रल अमेरिका के कोस्ट पर एक चट्टान के गिरने के कारण यह ग्लोबल मास एक्सटेंशन कैसे हुआ। दोस्तों पॉल बताते हैं कि एस्टेरॉयड हाई वेलोसिटी से टकराया और इफेक्टिवली वेपराइज्ड हो गया। इसने एक बड़ा गड्ढा बना दिया जिससे इमीडिएट एरिया में भारी तबाही हुआ। एक ह्यूज ब्लास्ट की वेव और हीट वेव निकली और इसने ह्यूज अमाउंट में मटेरियल को एटमॉस्फेयर में फेंक दिया। इसने दुनिया भर में ट्रेवल करते हुए कालिक भेजी। इसने सूरज को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया लेकिन इसने अर्थ की सतह तक पहुंचने वाले लाइट की अमाउंट को कम कर दिया। इसीलिए इसका प्लेनेट की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ा। यूकाटन पेनिनसुला पर एस्टेरॉयड के उतरने से शॉक वेव ने इमीडिएट एरिया को तबाह कर दिया। दोस्तों इसने डोमिनोज की तरह ही इसने फूड चेन को पीछे छोड़ दिया जिससे इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। दोस्तों यहाँ पर प्लैनेट्स के जीवन में कमी का हर्बिवोरस जीवित रहने की एबिलिटी पर भारी इम्पैक्ट पड़ा जिसका अर्थ था कि कार्निवोरस को भी कम भोजन अवेलेबल होने का नुकसान उठाना पड़ा होगा। दोस्तों दोष केवल एस्टेरॉयड पर नहीं टिक सकता। अपने क्रैश लैंडिंग से पहले अर्थ क्लाइमेट चेंज की पीरियड का अनुभव कर रही है। यह हमारे प्लैनेट पर जीवन के लिए चीजों को कठिन बना रहा था जो कि अब सेंट्रल इंडिया है वहाँ सब पोटेंशियल में वोल्केनिक एक्टिविटी थी। हालांकि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से रिलेटेड नहीं थी लेकिन अपनी खुद की समस्याएं पैदा कर रही थी। दोस्तों पॉल कहते हैं कि 2 मिलियन वर्षों से ह्यूज अमाउंट में वोल्केनिक एक्टिविटी चल रही थी जिससे एटमॉस्फेयर में गैस फैल रही थी और ग्लोबल क्लाइमेट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। कॉन्टिनेंट्स इधर उधर बह रहे थे और एक दूसरे से अलग हो रहे थे। बड़े ओशियंस का निर्माण कर रहे थे जिसने दुनिया भर में ओशियन और एटमॉस्फेयर के पैटर्न को बदल दिया। इसका क्लाइमेट और वेजिटेशन पर भी स्ट्रांग इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों क्रेटेशियस विलुप्त होने के इवेंट के दौरान प्लांट्स एनिमल की तुलना में कम इफेक्टेड हुए क्योंकि उनके सीड्स और पोलन अधिक समय तक कठोर पीरियड तक जीवित रह सकते हैं। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद फूलों के प्लांट्स अर्थ पर हावी हो गए। एक प्रोसेस कंटिन्यू रहा जो क्रेटेशियस में शुरू हुई थी और आज भी ऐसा करना कंटिन्यू है लेकिन 25 अधिक वजन वाले सारे लैंड एनिमल मर गए। दोस्तों हमारे पास जो बचा है वह बेसिकली आज हमारे पास जो कुछ है उसके सीड्स है, कई मैजोर एनिमल्स ग्रुप जो आज जीवित हैं। दोस्तों एस्टेरॉयड इम्पैक्ट पहले मौजूद थे और उन सभी को विलुप्त होने के कुछ लेवल का सामना करना पड़ा लेकिन मॉडर्न एनिमल की ओर जाने वाली रेखाएं पार हो गई। दोस्तों यह एक बड़ी फ्लाइटलेस पक्षी की फॉसिल्स खोपड़ी है जो यूओसिन युग के दौरान रहती थी। दोस्तों यह नमूना अप्रोक्सीमेटली 50 से 51 मिलियन वर्ष पुराना है। डायनासोर के गायब होने के लगभग 15 मिलियन वर्ष बाद जिसे ओलिगोसिन युग कहा जाता है। दोस्तों इसके दौरान हमें वास्तव में बड़े मैमल्स मिलने लगे। यह तब होता है जब गैंडे के आकार के जानवर फिर से प्रकट होने लगते हैं लेकिन उस पॉइंट तक यह छोटे जानवरों से भरी दुनिया है। इस बेसिकली उन डायनासोर की तुलना में जो उनसे पहले आए थे। बॉडी के शेप को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा। दोस्तों यह सजेस्ट करने के लिए रिसर्च किया गया है कि यदि इम्पैक्ट प्लेनेट पर कहीं और होता है तो
अर्थ पर जीवन का भाग्य बहुत अलग हो सकता था। यदि यह कुछ ही मिनट बाद गिर गया होता तो एस्टेरॉयड गहरे पानी में गिर गया होता, जिससे चट्टान कम भूपराज होती और सूर्य के प्रकाश और गर्मी को ब्लॉक करने के लिए ऊपर की ओर उठती। इससे बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की संभावना कम हो जाती। लेकिन अगर डायनासोर का शासन एक एस्टेरॉयड द्वारा अचानक समाप्त नहीं किया होता तो पॉल सोचते हैं कि हमने आज के आसपास कुछ पक्षियों के अलावा भी देख रहे होते। दोस्तों संदेह है कि उसमें से कुछ अभी भी आसपास होंगे। हम उनके शासन के पिछले 10 मिलियन वर्षों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और जो हम जानते हैं वह दुनिया के केवल एक रेगन बेस्टर नॉर्थ अमेरिका पर बेस्ड है। दोस्तों दुनिया के उस हिस्से से ऐसा लगता है कि डायनासोर नंबर के मामले में संपन्न हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के डायनासोरों की नंबर कम हो गई है। दोस्तों हमें नहीं पता कि यह पैटर्न कहीं और था या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है। दोस्तों यूके कनाडा और यूएस के रिसर्चर की एक टीम ने ऐसे एविडेंस को पाया कि डायनासोर विलुप्त होने के बाद जो मैमल्स बचे थे वे बड़े होने लगे। दोस्तों पहले की रिसर्च ने सजेस्ट किया कि मैमल्स ऑलमोस्ट 210 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिए थे, लेकिन डायनासोर के कारण वे रियल में पनपे ही नहीं, वे छोटे बने रहे, लगभग एक मॉडर्न हॉर्स कैट जितनी बड़ी, और कई केवल नाइट में ही बाहर निकली। चिक्स क्लब इम्पैक्ट इवेंट के बाद सर्वाइव्ड क्रिएचर को अपने पैर जमाने में कुछ समय लगा, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद मैमल्स ने जल्द ही एक और भूमिका निभानी शुरू कर दी। दोस्तों ऐसा ही एक जानवर पेंटोलम्डा ने पर्टिकुलरली अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों डायनासोर के गायब होने के ठीक 4 मिलियन साल बाद यह मॉडर्न शिप के आकार में बड़ा हो गया था। इस नए प्रयास में रिसर्चर ने क्रिएचर के बारे में अधिक जानने के लिए पेंटोलम्डा के कई नमूनों पर करीब से नजर डाली और शायद यह कैसे हुआ कि मैमल्स इतने ज्यादा प्रभावी हो गए। दोस्तों रिसर्चर ने नमूनों की फॉसिलाइज्ड टीथ का स्टडी किया, जिसमें प्रत्येक को बहुत पतली स्लाइस में काटा गया और इसके बाद उसके मेकअप के बारे में और जानने के लिए अध्ययन किया गया। इस तरह के अध्ययन से उसके मूल मालिकों के इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है, जैसे कि वह गर्भ में कितने समय तक रहा, उसने अपने जीवन के दौरान क्या खाया और वह कितने समय तक जीवित रहा। दोस्तों रिसर्चर ने पाया कि पेंटोलम्डा लगभग 7 महीने तक गर्भ धारण करता है। फेटस के लिए एक ऐसे बच्चे के रूप में विकसित होने के लिए पर्याप्त है जो जन्म के बाद लगभग अपने आप ही जीवित रह सकता है। दोस्तों रिसर्चर ने पाया कि उन्होंने केवल 1 या 2 महीने तक ही नर्स की। उन्होंने यह भी देखा कि क्रिएचर तेजी से पूर्ण आकार में बढ़े और लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, केवल 10 साल तक ही जीवित रहे।